स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारा उसी का पार्ट है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, जैसा हम ऑलरेडी हम जानते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा क्या करता है आपकी बॉडी के लिए, एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम का रिलेशन किससे है? एंडोक्राइन सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, मूड, स्लीप, डेवलपमेंट एट्सेट्रा। क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स। किसका कलेक्शन है? ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स क्या करती हैं? हॉर्मोन्स का सेक्रीशन करती हैं। हॉर्मोन्स क्या करते हैं? आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। हॉर्मोन्स क्या है? कुछ केमिकल्स होते हैं। अगर हॉर्मोन्स की हम बात करें तो हॉर्मोन्स क्या हैं? हॉर्मोन्स कुछ केमिकल्स हैं जो कहाँ से रिलीज होते हैं? ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और ग्लैंड्स के कलेक्शन को हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, जैसे कि थायरॉयड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पैनक्रियाज है। तो इन सारी ग्लैंड्स को मिला के हम कौन सा सिस्टम बनाते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है? बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं। और वो क्या रेगुलेट करते हैं? अब जितने टाइप्स की ग्लैंड्स होंगी, उतने ही टाइप का आपके फंक्शंस होंगे। जैसे थायराइड की बात करें तो वो टेम्परेचर हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सबको कंट्रोल करती है। पीनियल ग्लैंड की बात करें तो वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी रेगुलेट करती है, जिसे आप थर्ड आई कहते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ ग्लैंड्स इन बॉडी, और सारी ग्लैंड्स को मिलाकर एक सिस्टम बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो हमेशा एक वर्ड इसके साथ में आता है, एक्सोक्राइन। एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और आज के बाद आप भूलेंगे भी नहीं। देखिए, एंडोक्राइन में क्या आ रहा है? स्पेलिंग देखिए, ई एन डी, तो एन डी आ रहा है ना, इसमें देखिए एन डी नहीं है। एन डी से आप समझ जाइए एन फॉर नो और डी फॉर डक्ट, नो डक्ट। अब ये डक्ट क्या है? देखिए, एक्सोक्राइन में क्या होती है? डक्ट्स होती हैं। याद करने के लिए आप जान सकते हैं, जब एक में हमने पढ़ लिया नो डक्ट, तो दूसरे में क्या होगा? अपने आप डक्ट प्रेजेंट हो जाएगी, क्योंकि हम एक चीज़ पढ़ते हैं तो कंपैरिजन ऐसे ही करते हैं ना, उसका उल्टा हो जाता है। तो एंडोक्राइन में क्या है? नो डक्ट। अब ये डक्ट क्या है? डक्ट आप मान के चलिए कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई भी कैविटी है, कोई भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, जिसमें वो हार्मोन सेक्रेट आउट होता है। अब देखिए, इसमें क्या है एंडोक्राइन में? कोई भी जो ग्लैंड्स है, मान लीजिए कोई ये ग्लैंड हम मान लेते हैं, इससे हार्मोन जो सेक्रेट आउट हो रहा है वो डायरेक्ट कहाँ हो रहा है? ब्लड में, जिसका एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये सारी जितनी भी ग्लैंड हैं हमारी इस तरीके की, वो क्या करती हैं? अपने सारे हॉर्मोन्स को सेक्रीट आउट करती हैं डायरेक्ट ब्लड में। कोई भी डक्ट नहीं बनाएगा, कोई भी जरिया नहीं है, डायरेक्ट रिलीज होगा हॉर्मोन और ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें आ जाएगा। एक्सोक्राइन में क्या होगा? डक्ट्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या है? डक्ट्स आपके प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि अब स्वेट ग्लैंड की बात करें तो इसमें जो हमारे हॉर्मोन सेक्रेट आउट हो रहे हैं, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता है जिसमें वो जाके सेक्रेट आउट होंगे, तब जाके वो या तो सरफेस पे निकलेंगे, ब्लड में आएंगे। तो ये जो एक्सोक्राइन होती है, ये डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट आउट नहीं होती है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में कितने टाइप्स की ग्लैंड हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। तो यहाँ पर 9 टाइप्स की आपकी ग्लैंड्स लिखी हुई हैं, जिसमें पहला है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारी ये लोकेशन इस तरफ दिखाई गई है, लोकेशन क्या है? हेड। तो हाइपोथैलेमस आप जानते हैं कि सेरेब्रम हो गया, सेरेब्रम हो गया, ये सारे किसके पार्ट है? हेड के हैं। तो हेड की में ही आपकी मिलती है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी की बात करें तो हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे की तरफ हमारी आती है पिट्यूटरी, और ये दोनों
एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जो पूरी रेगुलेटरी बॉडी है वो क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ध्यान रखिए हमेशा सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो भी आपकी ब्रेन में प्रेजेंट होती है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है हेड। पीनियल ग्लैंड उसी के आपके जो आपका बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर आईब्रोज के बीच में, तो अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो पीनियल ग्लैंड आपको मिलती है, तो इसलिए लोकेशन हेड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती हैं वो थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर की तरफ मिलती हैं, बेसिकली 4 होती है नंबर में, और ये थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर ही सिचुएटेड होती हैं। तो दोनों की लोकेशन आप देख सकते हैं। नेक, जो थायरॉयड ग्लैंड होती है तो आप तो जानते हैं एडम्स एप्पल के पास होती है, चलिए लेटर डिस्कस करेंगे। थाइमस जो होता है वो थॉरेक्स में होता है। पैनक्रियाज, एड्रीनल, टेस्टिस एंड ओवरीज, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये हमारे एब्डोमिनल के पार्ट हैं, इसलिए इनकी जो लोकेशन है वो क्या है, एब्डोमेन। तो आपको इनकी लोकेशन थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, लोकेशन आपको आराम से याद हो जाएगी जब आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अब हमारी होने वाली है कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं इससे कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं और उनका एक्शन क्या है। फिर हम एक एक हॉर्मोन्स को लेके, जैसे थायराइड ग्लैंड है उसमें हाइपोथायराइड क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, ये सभी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।